सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो भाई, आज हम लेकर आए हैं कतई जहर फोटो एडिटिंग, जो कि आप देख सकते हो कितना खतरनाक एंड डेंजर फोटो एडिटिंग लग रहा है। तो आप लोग को भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ऐसा फोटो एडिटिंग बता सकते हो विदाउट, बस थोड़ा ऊपर का अपना इस प्रकार से पोज दे देना है, उसके बाद आप लोग इस प्रकार से ना फोटो एडिटिंग करोगे गाइस की मतलब कतई जहर फोटो एडिटिंग लगेगा। तो इसका बैकग्राउंड का मतलब PNG में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो देख लेना। एंड पहले इस वीडियो को देख लो, मैं किस प्रकार से बनाया हूँ उस वीडियो को अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना एंड स्किप बिना स्किप किए ही देखना, क्योंकि आप लोग स्किप करते हो और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करते हो कि गाइस नहीं भाई नहीं हो रहा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लास्ट तक देख के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल पिक ले लेना है, जो कि मैंने बताया अपने कपड़ा खोल कर मतलब कि अपने पोज दे देना है किस प्रकार से देना है। तो मैं उसका ओरिजिनल पिक दिखा देता हूँ, ये है ओरिजिनल पिक, और इसमें अपने फोटो को मतलब बैकग्राउंड को किस प्रकार से ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जो देख सकते हो किस प्रकार से है, मतलब कि ग्रीन टाइप का है, तो इसको हम बैकग्राउंड को कट करेंगे और कट करके उसके बाद लगाएंगे। तो सबसे पहले कट करने के लिए आपको करना क्या है, नेट को ऑन कर लेना है अपने इंटरनेट को और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फोटो रूम के अंदर। तो यहाँ से हम जाते हैं फोटो रूम के अंदर, तो देख सकते हो गाइज हमने बैकग्राउंड को कट कर दिया है। अब किस प्रकार से इसको लगाना है, तो सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड को ले लेना है कि कौन सा बैकग्राउंड है, तो आपको कौन सा लेना है, तो ये वाला बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसी पे अपने फोटो को ऐड करना है। तो आपको कौन से ऐप में जाना है, आपको पिक्सआर्ट ऐप को एप्लीकेशन में जाना है अपने इस वाले बैकग्राउंड को लेकर। उसके बाद किस प्रकार से एडजस्ट करके अपने फोटो को किस प्रकार से मीडियम करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो हमने बैकग्राउंड को लेकर आ गया है अपने पिक्सआर्ट के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको करना क्या है, इधर स्क्रॉल करके अपने जो मैंने बैकग्राउंड को कट किया था उस वाले हम फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिंपली आपको इसी प्रकार से ऐड कर लेना है और इसको करना क्या है, ऊपर के साइड में ले जाना है, ऊपर के साइड में इस प्रकार से आपको ले जाना है। और यहाँ पे आपको करने के बाद आपको करना क्या है, इसको माइनस करना है। अब माइनस किस प्रकार क्यों करना है, आपका जो ये जो हैंड है इसको ऊपर लाने के लिए और इस वाले हैंड को ऊपर लाने के लिए आपको इरेज करना होगा, जिसके कारण आपको काफ़ी आसानी होगा, इसलिए मैंने ऑपेसिटी को माइनस किया है। तो यहाँ से ऊपर इरेज वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे छोटा कर देना है और करना क्या है, ये वाला ऑप्शन ऐसे कर देना है, इस प्रकार से उंगली को इस प्रकार से इरेज कर देना है अच्छे तरीके से। तो हम चलिए हम इसको अच्छे तरीके से कर देते हैं। सो हमने लगा लिया है, ये देख सकते हो अच्छे तरीके से इस प्रकार से इरेज कर दिया, उंगली को भी अच्छे तरीके से ऊपर ला दिया है और इतना कर देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इफेक्ट वाला में जाना है और आपको ये जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इसमें सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में जाने पर ये जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार टैप करना है और एक बार टैप करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, इसको इंक्रीज कर देना है और इसको देख सकते हो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके सैचुरेशन को और ब्लर को थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देना है और इतना करके आपको यहाँ से सेव कर देना है। ये हो चुका है। अब इसमें बैकग्राउंड को किस प्रकार से मैच करेंगे और फेस को किस प्रकार से मैच करेंगे उसको करने के लिए आपको जाना है स्नैपसीड के अंदर, उसमें हम किस प्रकार से करेंगे तो चलिए हम उसमें बताते हैं कि हम उसमें किस प्रकार से क्या क्या करेंगे। तो सो आपको करना क्या है, ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये देख सकते हो रेड हो चुका है। अब फिर वाइट करेंगे जिसके कारण मेरा मैच और भी खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड वाला ऑप्शन है इसमें सिलेक्टिव वाले में जाकर इस प्रकार से आपको माइनस करना है, डार्क में थोड़ा करेंगे तो खतरनाक आएगा। तो माइनस करके आपको फेस पे ले जाना है, फेस का जो लाइटनेस है उसको थोड़ा सा माइनस करके और इसको कंट्रास्ट को माइनस करके सेव कर देना है। अब इतना हो चुका है, अब यहाँ से हमको सेव कर देना है। ये सब कुछ हो चुका है, अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और वाइट बैलेंस कोना पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको थोड़ा सा इसको माइनस करके टिंट को थोड़ा सा माइनस कर देना है, इतना माइनस करके आपको यहाँ से सेव कर देना है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक एंड ज़बरदस्त फोटो एडिटिंग लग रहा है और काफ़ी आसानी से हो गया, कितना सिंपल हो गया। आप लोग भी ऐसा फोटो एडिटिंग बना सकते हो। बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।